अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको विज़िट करवाएंगे कोटली सैयदा का। आप लोग हमारे चैनल पे देख सकते हो कि हम आपको पहले भी कोटली सैयदा का विज़िट करवा चुके हैं, लेकिन पहले वाला तहसील डस्का में था जबकि ये तहसील पसरूर में है। अलबत्ता दोनों के नाम सेम हैं, कोटली सैयदा, और ज़िला भी सेम है, सियालकोट। डस्का वाला कोटली सैयदा छोटा है बनिस्बत इस कोटली सैयदा के, और ये उससे ज़्यादा शोहरत का हामल भी है। वैसे तो यहाँ बाकी बरादरी के लोग भी हैं, लेकिन अक्सरियत सैयद लोगों की है। ये इस गांव का दरबार है, और हम इंतहाई माजरत खां हैं कि हम इसका आपको भरपूर विज़िट नहीं करवा सके, इस दरबार का नाम नहीं बता सके। इसकी वजह शायद आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि बारिश बहुत शदीद शुरू हो गई थी। आप लोग नोट कर रहे होंगे कि कुछ रास्ते तो बारिश की वजह से वैसे ही ख़राब हैं, लेकिन जो ठीक भी हैं वो भी बारिश की शिद्दत की वजह से हम आपको भरपूर विज़िट नहीं करवा सके। हाँ, अलबत्ता किसी व्यूअर ने चाहा या किसी दोस्त ने चाहा तो हम इसका विज़िट दोबारा भी कर सकते हैं। यहाँ आबादी तो ख़त्म हो चुकी, लेकिन हमारी बाईं साइड पे देही मरकज़ है, जबकि हमारी दाईं साइड पे गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल है, और फिर बाईं साइड पे कब्रिस्तान है। इस गधे को देखकर आप लोग ये ना समझिएगा कि स्कूल पढ़ने के लिए आया हुआ है, ये भाई साहब बारिश की शिद्दत की वजह से अपने गधे के साथ इधर पनाह लिए हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, माशाल्लाह स्कूल का माहौल तो अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरा है, बस बारिश की वजह से पानी ठहरा हुआ है। ये दाईं साइड पे इस गांव की ग्राउंड है, जहां आपको बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं।
वीडियो करते हैं जी ख़त्म, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए गांव में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान।